चलिए दोस्तों, आज प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में जो अंतर है उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो डेट इज हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई काम जो बोलते समय हो रहा हो, ठीक है, और वो काम जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ हो, समाप्त नहीं हुआ हो, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ जो टाइमलाइन दिया गया है, इस टाइमलाइन को देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग, इसका मतलब है कि ये जो वर्क है ये बोलते समय जो है वो हो रहा है, वह खेल रहा है। तो ये हम लोग जब बातें कर रहे हैं उस समय वो काम कर रहा है, वो खेल रहा है, लेकिन ये काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से समझे दोस्तों, नाउ यानी कि प्रेजेंट में बोलते समय वो काम हो रहा है, वो काम कर रहा है, यानी वो खेल रहा है। तो ही इज प्लेइंग, अभी जो है वो बोलते समय वो खेल रहा है, ठीक है, तो इसे हम इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है, अगर कोई बात जनरल हो या वो काम जो है वो रिपीट करता हो, वो काम कैसा हो, वो रिपीट करता हो, जैसे यहां देखें दोस्तों, ये टाइमलाइन देखें, इस टाइमलाइन में ही प्लेज एक सेंटेंस लिखा गया, इसका मतलब है कि वो पास्ट में भी खेलता था, अभी भी और आगे भी खेलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ये काम जो है वो रिपीट होता है, किसी खास समय अंतराल के बाद ये काम रिपीट होता है, लेकिन ये बोलते समय जरूरी नहीं है कि वो खेल रहा होता है, ठीक है, वो किसी समय पर, खास समय पर, जैसे शाम में 4 बजे वो ऑफ टाइम में जाकर खेलता होगा, तो उसे हम कहते हैं। या कोई एक प्लेयर है जो वो हमेशा खेलता रहता है, बट अभी बोलते समय जरूरी नहीं है कि वो खेल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अंतर है कि बोलते समय वो खेल रहा है, ठीक है, और काम अभी समाप्त नहीं हुआ। इसमें पास्ट में भी खेलता था, इन सभी समय में अभी खेलता है और आगे भी ऐसा ही खेलता रहेगा और काम करता रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखें दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू बेड नाउ, ठीक है, गुड नाइट। तो ये व्यक्ति जो है वो अभी जब काम ये हो रहा है, बोलते समय ये काम हो रहा है, ठीक है, और काम समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि हम जा रहे हैं सोने के लिए, टाइम हो गया है, ठीक है, तो इस समय ये अभी ये काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई ऑलवेज गो टू बेड बिफोर मिड नाइट, ये काम रोज वाला है, मैं मिडनाइट के पहले जो है वो सोने में चला जाता हूँ, ये डेली वाला वर्क है, ये रोज इसका काम है, अभी नहीं हो रहा है, अभी जरूरी नहीं है कि वो बात हो रहा, हो सकता है कि ये दिन में बात कर रहा हो किसी से, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये बोलते समय हो रहा हो, ये रोज जो है मिडनाइट के पहले जाता है, तो ये डेली का वर्क है। यहाँ पर अभी बोलते समय ये काम हो रहा है, यानी कि ये अभी बोलते समय हम बात कर रहे हैं उसी समय ये बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये रोज होता हो। अगला है दोस्तों, यहां देखें, द वॉटर इज बॉइलिंग, यहां पर देखें, अगर आपने चूल्हे पर पानी रखा हुआ है और उसे आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो और गर्म अगर ये हो गया है या हो रहा है, तो उस समय आप किसी से कहते हैं क्या इसे बंद कर दोगे या बंद कर दो इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये काम जो है बोलते समय हो रहा है, लेकिन यहाँ देखें, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये तो हमेशा था, पहले भी था, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, और फ्यूचर में भी ये बात रहेगा, ये हमेशा के लिए बात है दोस्तों, ठीक है, यानी कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, जरूरी नहीं है कि हम बात कर रहे हैं उस समय हो रहा हो, ये हमेशा के लिए है। और यहाँ पर
ये आप जब बात कर रहे हैं उस समय ये काम हो रहा है और उसी समय आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे बंद कर दें, बॉयल हो गया है। नीचे देखें, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है तो यहाँ पर जो एक्शन होता है वो टेम्पररी होता है सिचुएशन। जैसे मोहन कहता है कि मैं कुछ अपने मैं दोस्तों के साथ रह रहा हूँ और मैं दूसरे जगह फ्लैट में तलाश कर रहा हूँ, वो रह रहा है। मोहन इज लिविंग विद सम फ्रेंड्स अनटिल आई फाइंड अ ठीक है दोस्तों, अनटिल ही फाइंड्स अ फ्लैट। वो ये टेम्पररी जो है वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है और एक दूसरा फ्लैट खोज रहा है, जहां पर तलाश कर रहा है, जहां पर उसे रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेम्पररी जो एक्शन होता है या सिचुएशन होता है उसके लिए भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। यहां देखें प्रेजेंट सिंपल में कौन सा सिचुएशन यूज कर सकते हैं, ये परमानेंट सिचुएशन होता है। जैसे मोहन लिव्स इन इंडिया, ठीक है, ही हैज लिव्ड देयर एट देयर लाइफ। अब यहां पर मोहन जो है वो पूरा अपना जीवन जो है वो इंडिया में रहने के लिए या इंडिया में रहेगा, तो ये परमानेंट है या रहता है या अपना पूरा जीवन जो है वो